मेरे साथ स्टार क्रिकेटर जनाब बखर के टाइगर हैं, किंग हैं क्रिकेट में जनाब, आरपीएल लीग में अच्छा खेल रहे हैं और आज इनका मैच है 46 TDA से। तो तहर अब्बास तहरी मेरे साथ मौजूद हैं, तहर भाई से कुछ बातें करेंगे। पहले तो ये बताएं कि तहर भाई, इतनी ज़बरदस्त गेम आरपीएल लीग में आप क्या सोच कर आए हैं? जी बिल्कुल, पिछले 2 सालों में मेरी गेम खातर ख्वाह नहीं हुई तो काफ़ी जो मेरे चाहने वाले हैं तो वो थोड़े मायूस थे, तो इस बार थोड़ी मेहनत की है कि इंजॉय करें सब। क्या बात है तहर भाई, कल जो आपने इनिंग खेली, कमाल इनिंग खेली, और इस वक्त आपकी जो टीम है वो एक अच्छी पोजीशन पर जा रही है। आज का मैच आप लोगों के लिए बहुत अहम है, तो क्या स्ट्रेटजीज बना कर आए हैं, क्या टीम में कुछ चेंजिंग है, और अगर आप लोग टॉस विन करते हैं तो टॉस विन करके क्या करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चेंजिंग तो वाकई है क्योंकि हमारे 2 लड़के मैचों पे नहीं आ रहे थे, सावल और एक और लड़का है, तो उनको बुलाया स्पेशल। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब टीम बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, टॉस होगा तो फिर बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जी तहर भाई कह रहे हैं कि टॉस के बाद ही बताएंगे। तहर भाई, इन फॉर्म हो जाना एक ही आरपीएल लीग में और ज़बरदस्त खेलने लग जाना, ये क्या है? लगता है लक है, जिस तरह आप फ्लड लाइट यहाँ जीत कर गए थे, और ये आरपीएल लीग कहीं लेकर जाने वाले तो नहीं है आप? देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो जीते, बाकी ये नसीब होता है, किसी की टीम अच्छी बन जाती है, कभी परफॉर्म हो जाना कभी ना होना, ये तो एक नसीब की बात है। बंदा, हर बंदा मेहनत तो करता है ना, तो हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अजर देगा हमें। जी थैंक यू जी। उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है? क्या कहे मुदस्सर दादा? जी मुदस्सर दादा कैप्टन मौजूद नहीं है अपनी मसरूफियत की वजह से, तो उनकी कमी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है, आखिर वो हमारे सीनियर हैं। ठीक है, हम अक्सर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें 100 बार सोचना पड़ता है, हम सबसे मशवरा तो लेते हैं लेकिन मुदस्सर दादा मौजूद नहीं होते तो कोई डिसीजन अक्सर गलत हो ही जाते हैं, लेकिन हमें सीनियर की बहुत कमी फील होती है जी, तकरीबन हर वक्त। और तहर भाई, अब जब आप ग्राउंड में होते हैं, मुदस्सर दादा ग्राउंड में भी हो, तो मेरे ख्याल में तो मुदस्सर भाई आपसे फैसले ज़्यादा करवाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही क्रिकेट उसके साथ खेले हैं, वो अब मुझे मेरे माइंड को पढ़ चुके हैं कि इसका माइंड भी काफ़ी हद तक काम करता है, तो अक्सर वो मुझसे मशवरा लेते हैं, लेकिन आखिरकार जो डिसीजन होता है ना वो मुदस्सर का ही होता है। और लास्ट बात, आपको ज़्यादा मैं नहीं बुलवाता और आपका कीमती टाइम नहीं वेस्ट करता, तो तहर भाई आपकी माजी की क्रिकेट का मैं बिल्कुल वाकफ़ हूँ, फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है क्रिकेट में, और आजकल क्रिकेट कितनी इंजॉय कर रहे हैं और कितना सीरियस ले रहे हैं, ये बात पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, आज से पहले जो हमारे इलाके की क्रिकेट थी ना, तो वो सिर्फ हमें बैकवर्ड माना जाता था, लेकिन ये जो मीडिया का दौर अब शुरू हुआ है ना, तो कोई भी छुपा हुआ नहीं रह सकता मेरे ख्याल में। ठीक है, मीडिया की वजह से अपर पंजाब हर जगह पे हमारी क्रिकेट दिखाई जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि हम भी इंशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेलेंगे। और लास्ट में तहर भाई, कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई बात नहीं, आप 6 छक्के लगा सकते हैं, इमरान नियाज़ी को खेल सकते हैं, जितना बड़ा बॉलर आज, एक तो आप में दलेरी जो है ना किसी प्लेयर में नहीं है, ये मैं खुद कहता हूँ। दूसरी चीज़, बाज़ प्लेयरों से मैंने सुना है कि तहर भाई छक्के लगाते हैं, लेकिन यार वो जो शॉटें होती हैं, वो अंदाज़, वो स्टाइल तहर अब्बास तहरी का नहीं है, तो ये बातें आप तक पहुंची हैं और आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ किया है, या किस तरह जवाब देंगे इन बातों का? नहीं नहीं देखें, ये स्टाइल होना ना होना ये इंसान के हर एक की ना नेचुरल गेम होती है। ठीक है, वो अक्सर हमने लोगों के मुँह से सुना है कि जो कहाँ थे ना कवे, वो अपनी चाल भी भूल गए थे मोर की चाल की वजह से, तो हम किसी की बात सुन के अपना पर नेचुरल स्टाइल तो नहीं भूल सकते। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं तहर भाई, कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया मैं, वो तो नहीं कर सकता कि किसी का स्टाइल अपनाने के लिए अपने ये जो छक्के लग रहे हैं वो भी वेस्ट कर दूँ। तो तहर भाई, आरपीएल लीग कैसी लग रही है, ये बात लास्ट में, आरपीएल लीग कैसी लग रही है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये आरपीएल लीग ब्रांड लीग है, पिछले साल हुई थी तो हमारी काविशें थी, तो अब तो हम खुद इस लीग का हिस्सा हैं, हालांकि कमेटी में हम खुद इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही मियार वाली लीग हो रही है, इंशाल्लाह इस जो नेक्स्ट स्टेप होगा इससे भी ज़्यादा होगी। मैं खुद इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कमी आ रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो भी नहीं होगी। थैंक यू तहर भाई। और लास्ट में सच्चे दिल के साथ आपने एक बात बतानी है, तहर भाई आबद लेफ्टी और ज़िशान शानी की इस मेहनत पर, और ये जो उन्होंने मेला सजाया ईद पर, हमें डबल खुशियां दी, और ये इतनी आला लीग, आप जानते हैं टूर्नामेंट करवाना कितने मुश्किल हैं, उनके लिए क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी ज़ुबान से उनके लिए क्या कहेंगे, दिल खोल कर बताएं।
जी जी बिल्कुल, उनकी अनथक मेहनत है आबिद भाई की और ज़िशान भाई की और मायुद्दीन भाई की, क्योंकि ये तमाम चकू को ये फराम करना क्रिकेट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऐसे ग्राउंड आबाद नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इन लोगों ने स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल में तमाम चकू को इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। और आखिर में आप ताहिर भाई किस बॉलर से ज़्यादा डर लगता है ये बताएँ। नहीं, बॉलर सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से खेलते रहे हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में यहाँ पे टफ बॉलर आया तो वो आरएफ ही आया है, आरएफ 34 चक वाला। ओके, और टॉस के लिए आ चुके हैं, अब आप टॉस करवाएंगे तैयार भाई? जी, टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ चुके हैं। थैंक यू लास्ट में तैयार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।